Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona, and today I am going to discuss the book Major Barbara, written by George Bernard Shaw. ठीक है, तो मैं वोकैबुलरी बोलने वाली थी, बट वोकैबुलरी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं. वोकैबुलरी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर बारबरा की जो समरी है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड मेजर बारबरा जो प्ले है हमारा वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मेजर बारबरा का कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं. तो इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेजर बारबरा जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्यूट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड कई बार एग्जाम्स में ये क्यूट्स डायरेक्टली जो है पूछ लिए जाते हैं. सो इफ यू वॉन्ट टेक दी स्क्रीन शॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट क्यूट्स में हमारा फर्स्ट आता है आपका, यू कैन नॉट हैव पावर फॉर गुड विदाउट हैविंग पावर फॉर एविल टू एविल मदर्स मिल्क नरिशेस मर्डर्स एज वेल एज हीरोज. तो ये क्यूट है हमारा, याद रख सकते हैं, अगर ट्राई करेंगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, लाइक ऑल यंग मैन यू ग्रेटली एक्सेग्रेट द डिफरेंस बिटवीन वन यंग वुमेन एंड अनदर. ये नेक्स्ट है हमारा, एंड ऑल प्रोफेशंस आर कंस्पायरेसेस अगेंस्ट द लाइटी. नेक्स्ट है, व्हेन यू वोट यू ओनली चेंज द नेम्स ऑफ द कैबिनेट, व्हेन यू शूट यू पुल डाउन गवर्नमेंट्स, इनॉग्रेट न्यू एकॉर्ड्स, अबॉलिश ओल्ड ऑर्डर्स एंड सेट अप न्यू, एंड नथिंग इज एवर डन इन दिस वर्ल्ड अंटिल मैन आर प्रिपेयर्ड टू किल वन अनदर इफ इट इज नॉट डन. तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्यूट्स हैं, हम लोगों ने 5 क्यूट हम यहाँ पर लिए हुए. आप लोग चाहें तो इनमें से एक या दो क्यूट भी आप लोग याद रखने की कोशिश कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले. जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मेजर बारबरा की, हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है कि मेजर बारबरा जो है या बारबरा को मेजर बारबरा क्यों कहा जा रहा है. तो ये सब हम लोग अपनी स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो प्ले है हमारा, ये सबसे पहले तो हम बात करें तो अगर ये 3-एक्ट प्ले है हमारा. दूसरा, ये जो प्ले है आपका, ये इसका प्रीमियर हुआ था आपका 1905 में इसका प्रीमियर हुआ था, और पब्लिश हुआ था ये 1907 में. और मेजर बारबरा की अगर हम बात करते हैं तो मेजर बारबरा ये जो है एक स्टोरी जो है वो क्या है, दिखाती है एक आइडियल जो वुमन होती है, यंग वुमन जो होती है, बारबरा अंडरशाफ्ट, उनकी ये पूरी स्टोरी है हमारे यहाँ पर. और ये बारबरा अंडरशाफ्ट जो है ये कैसी वुमन है, बहुत ही आइडियल वुमन है, एंड पुअर्स पीपल की हेल्प करने में ये बिलीव करती है. तो ये मेजर बारबरा है हमारे, बारबरा अंडरशाफ्ट. इनके फादर हैं आपके एंड्रू अंडरशाफ्ट एंड सारा अंडरशाफ्ट इनकी मदर है. इसके बाद में आपके अदर कैरेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो एडोल्फस क्यूजिन्स है जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो जाते हैं हमारे यहाँ पर. लेडी ब्रिटोमार्ट है, चार्ल्स लोमैक्स है, ओब्रेन प्राइस है, स्टीफन अंडरशाफ्ट है हमारे यहाँ पर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, इफ यू वॉन्ट टेक दी स्क्रीन शॉट. ठीक है, तो बारबरा अंडरशाफ्ट हमारी, आप आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बारबरा अंडरशाफ्ट किस नोवेल की कैरेक्टर है, बिकॉज इनके नोवेल के जो नेम में जो है क्लियरली अपियर हो रहा है यहाँ पर कि मेजर बारबरा जो है, बारबरा जो है मेजर बारबरा के कैरेक्टर है. बट या एंड्रू अंडरशाफ्ट या सारा अंडरशाफ्ट से क्वेश्चन बन सकता है ये किसके कैरेक्टर है, या फिर आपके लेडी ब्रिटोमार्ट जो एक फेमस कैरेक्टर है यहाँ से आपका क्वेश्चन रेज हो सकता है. तो लेडी ब्रिटोमार्ट इनको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. चार्ल्स लोमैक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे यहाँ पे. ओब्रेन प्राइज हमारे, स्टीफन अंडरशाफ्ट है, तो इनको आप लोग जरूर नोट डाउन कर सकते हैं. अब ये कैरेक्टर कैसे क्या है और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो मेजर बारबरा का अगर हम बात करते हैं तो मेजर बारबरा के जैसे बारे में हम लोगों ने कहा कि ये बहुत ही कैसी है कि रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी स्टोरी को, ऐसी वुमन को जो कि आइडियल है और पुअर पीपल की क्या करती है, ये हेल्प करती है. और मेजर बारबरा जो है ये यहाँ पर क्या कर रही है, आपकी एक सैल्वेशन आर्मी होती है, ये वहाँ पर क्या करती है, काम करती है, सैल्वेशन आर्मी में काम करती है और पुअर पीपल की हेल्प करती है ये. एंड इनकी जो कंडीशन जो है, इनके फादर और मदर का क्या हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, एंड इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है मेजर बारबरा की फैमिली की, ये उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है. और यहाँ पर इनकी मदर जो है आपकी सारा, आपकी जो है सारा अंडरशाफ्ट जो है एंड स्टीफन अंडरशाफ्ट जो उनके ब्रदर रहते हैं, ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पर कि मेजर बारबरा जो है हमारी प्ले की जो हीरोइन है उनको और उनकी आपकी यंगर सिस्टर है उनको कैसे एक तरीके से
किया जाए, मतलब उनको कैसे सेटल किया जाए, इस बारे में वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर मेजर बारबरा को जो है थोड़ा सा डाउट हो जाता है, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको सेटल करने में उनके मदर को और उनके ब्रदर को प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए वो क्या करती हैं, आगे चल के हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेजर बारबरा तो यहाँ पर अपनी सैल्वेशन आर्मी में काम कर रही है, पुअर पीपल की हेल्प कर रही है, बट यहाँ पर वो क्या होता है नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं हम लोग कि ये जो है इनकी मदर जो रहती है आपकी, वो मदर क्या करती है आपकी, लेडी ब्रेडोमार जो अंडर शाफ्ट है वो मदर है यहाँ पर, सारा अंडर शाफ्ट जो है वो उनकी सिस्टर रहती है। तो बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि करेक्ट करेक्शन यहाँ पे क्या है आपका, लेडी ब्रेडोमार जो है वो इनकी मदर है। तो वो और इनके ब्रदर स्टीफन डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है आगे कि आपके ये जो है लेडी ब्रेटोमार जो है वो डिसाइड करती है कि हम किसकी हेल्प लेंगे, इनके जो हस्बैंड है जो है उनकी हेल्प लेने के लिए डिसाइड करती है कि हम इनकी फाइनेंशियल हेल्प लेंगे अपनी डॉटर्स को सेटल करने में। पर यहाँ पर जब ये आगे जाते हैं तो एंड्रू अंडरशॉफ्ट जो होते हैं वो क्लियरली मना कर देते हैं किसी भी टाइप की कोई भी फाइनेंशियल हेल्प देने से। तो यहाँ पर अब जो है आपकी जो लेडी ब्रेडोमार जो रहती है उनको काफी झटका लगता है, और वो समझ नहीं पाती है कि किस तरह से मतलब उनके हस्बैंड डिनाई कर सकते हैं उनकी ही बेटियों को सेटल करने में, उनकी डॉटर्स को सेटल करने में हेल्प करने से वो मना कर दिया है उन्होंने, और अब वो किस तरह से अपनी डॉटर्स को जो है सेटल करेंगी। तो यहाँ पर हम लोग जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मेजर बारबरा जो है सैल्वेशन आर्मी में काम कर रही है, उनके फादर जो है वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो स्टील फैक्ट्री जो रहती है उसके ये क्या है ओनर है, बट यहाँ पर उन्होंने किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी है। बट वो एक बार सेल्वेशन आर्मी में क्या करने आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, और जब वो उस वहां पर विजिट करने के लिए आते हैं तो वो अपने डॉटर बारबरा को वहां पर देखते हैं ड्यूरिंग द जब वो हेल्प कर रही होती है पोर पीपल की। और तो यहाँ पर वो जब उनको देखते हैं तो उनको मेजर बारबरा जो है वो मतलब वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं अपनी ही डॉटर से, और वो उसकी हेल्प करने की पूरी तरह से डिसाइड कर लेते हैं। और वहां पर एंजी अल्टरशाफ्ट जो होते हैं वो भी बारबरा को जो है मेजर बारबरा नाम देते हैं। एंड यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर अगर कंसीडर की जाती है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्रिटिक्स जो है बहुत सारा, ये बहुत सारे क्रिटिक्स जो है वो इस नोवेल को कंसीडर करते हैं कि मतलब ये जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने खुद की एक लाइफ के जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है हमारी यहाँ पर मेजर बारबरा में कि मेजर बारबरा जो है इनकी लाइफ में टू थिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मनी एंड गन पाउडर। तो ये जो है मेजर बारबरा ने कंसीडर किया है इन टू थिंग्स को जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मनी एंड गन पाउडर। तो ये हमारी मेजर बारबरा है। सो यहाँ पर हम लोगों ने मेजर बारबरा को डिस्कस किया हुआ है। एंड अगर हम लोग अदर कैरेक्टर्स के इंपॉर्टेंस देखते तो अदर कैरेक्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट मेजर कैरेक्टर्स और एक स्टोरी का जो थीम जो है वो हम लोग यहाँ पर जरूर लेके चलेंगे, साथ में जरूर याद रख के चलेंगे कि किस टाइप से आपकी स्टोरी जो है वो डिस्कस की जा रही है। तो मेन थीम की अगर हम बात करें तो थीम में आपका लव आ जाएगा, एक फैमिली रिलेशंस आ जाएंगे कि किस टाइप से आपके फैमिली रिलेशंस को लेकर थीम लिखी गई है, एंड लाइफ के जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ, ये हमारे यहाँ पर एक मेन थीम में आ जाते हैं। एंड अगर मेजर बारबरा को हम जो है एनालाइज करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेजर बारबरा जो है एक ऐसी स्टोरी है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है, एंड इसको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने इस टाइप से जैसे कि लाइफ की जो रियलिटी जो होती है उसमें मतलब फैमिली रिलेशंस में किस तरीके से खटास आती है, एंड फैमिली रिलेशंस किस तरीके से अफेक्ट होते हैं ड्यू टू दी मनी। तो जस्ट बिकॉज उनके फादर मदर फादर का डिवोर्स हुआ था, बिकॉज वहां पर मनी जो है वो उनके रिलेशंस में एक तरीके से काम कर रहा था कि मनी की वजह से क्या हो गया था, पैसा जो वेल्थ जो रहती है उसकी वजह से उनके मदर फादर के रिलेशंस में खटास आई थी। तो इस वजह से यहाँ पर एक चीज ये भी दिखाई गई है। तो ये जो है आपकी पैसा ठीक है, मनी जो हो गया, वेल्थ जो हो गया, या फिर हमारा लव जो हो गया, या फैमिली रिलेशंस जो हो गए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम निकल कर यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारी थीम थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निकल के आता है हमारा जो चार्ल्स लॉमेक्स है, और हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी क्यूजेंस के बारे में, ठीक है। तो क्यूजेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं, बिकॉज क्यूजेंस जो है वो डिसाइड करते हैं यहाँ पर मेजर बारबरा से शादी करने के बारे में, एंड मेजर बारबरा से उनकी शादी होती है, एंड एंड्रयू अंडरशॉफ्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्यूजेंस के लिए वो डिसाइड करते हैं कि क्यूजिन को वो प्रॉपर्टी दी जाएगी, एंड चार्ल्स लॉमेक से शादी होती है आपकी सारा अंडरशॉफ्ट की। तो ये जो था हमारा
डिस्कशन था मेजर बारबरा को लेकर। तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो, डिस्कशन पसंद आया हो एंड मेजर बारबरा का एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो ये थी हमारी मेजर बारबरा फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम एंड फॉर ऑल द अदर काइंड ऑफ एग्जाम, जहां पर भी लिटरेचर पूछा जाता है, बिकॉज दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो चलिए, आई विल कैच यू टुमारो विद द अनदर वीडियो लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।